मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कुछ भी हो, वो मंदिर होता है एक, जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारा क्या होगा? भारत माता की जय, क्योंकि हम भारत माता के नाम है, उसे और ऊंचा लेके जाना है। जैसे आज के हमारे, जैसे आपने देखा साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँच गए, चांद पे बाबू जगह तक पहुंचे हैं, जहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया। तो जय घोष से करें, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्कूल जो है वो मंदिर है, और मंदिर भी एक शिक्षा का घर होता है। मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के आते हैं ना, झुकना सीख के आते हैं भगवान के आगे, कुछ मांगना सीख के आते हैं। तो ऐसा कार्य जो जहां पर हमारे बनी में हुआ बहुत ही दुखदायक था, और मैं कुछ जगह देख रहा था प्रोटेस्ट में। देखिए, सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम सभी साथियों को। आज का जो हमारा जहाँ पे वार्तालाप छात्रों से हुआ, और हमारे बाकी साथी भी जहाँ पर एकत्रित हुए थे, इसका मेन उद्देश्य यही था कि छात्रों को समझाया जाए कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए उनको, और एक मैसेज पॉलिटिकल लीडर्स को भी दिया जाए कि छात्रों के द्वारा जो है वो राजनीति ना की जाए जहाँ पे। और जो ये इंसिडेंट जहाँ पे बनी में हुआ है, शर्मनाक है, इसकी आलोचना भी करते हैं हम। और जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई है, प्रशासन सरकार का भी शुक्रिया अदा करने के लिए जहाँ पे हम एकत्रित हुए थे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, आगे भी हमारी आपस में बात हुई जहाँ पे, और हमने एक ही डिसीज़न लिया जहाँ पर कि जब तक उन कल्प्रिट्स की टर्मिनेशन नहीं हो जाती, उनको डिसमिस नहीं किया जाता सर्विस से, तब तक हमारा जो रोष है प्रकट करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे समय समय पर। तो इसी प्रकार से हम जहाँ पे एकत्रित हुए थे, और छात्रों को भी हमने समझाया कि अपनी क्लासेस लगाइए, जाकर आप पढ़िए, ये जो काम है ये हम देख लेंगे, और इसको इसके अंजाम तक पहुँचाने का कार्य हमारी कमेटी करेगी, जो अभी हमारी डिस्कशन होने को है। मैंने समझाया है कि जैसे आपने भी कवर करा है कि हम भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के बेटे हैं, चाहे वो किसी भी जात पात धर्म वर्ग से व्यवस्था है, हम सब भारत माता के बेटे हैं। और अगर इस प्रकार का कोई इंसिडेंट उस दायरे में होता है जहाँ पर हम उसे मंदिर कहते हैं, शिक्षा का मंदिर, तो बड़ा ही दुर्भाग्य है, और इसका विरोध करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ करना चाहिए। आपको बता दूं कि मैंने पिछले कल वो जो प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे बनी में देखा कि हल्ला गुल्ला बड़ा था, नेशनल मीडिया पे गया, सीटियाँ वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो मैंने छात्रों को समझाया है कि अनुशासन तरीके से कोई भी चीज़ करनी है वो अनुशासन के साथ ही करनी है, और हम आपके शाना बशाना साथ हैं, कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, हम आपके साथ हैं। देखिए, एक चीज़ और जो बड़ी ज़रूरी है इस समय पर, हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस विभाग का, SDM बनी, DC कठुआ, LG साहब तक का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए एक FIR रजिस्टर्ड करी, और एक सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी एक रिक्वेस्ट करी कि सिर्फ सस्पेंशन से हम जो है वो सहमत नहीं है, इनकी टर्मिनेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि एक व्यक्ति जो है उसको तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो दूसरा कल्प्रिट है वो कहाँ पे फरार है। मैं पुलिस विभाग से ये निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि पुलिस तो पताल से भी ढूंढ के ले आती है मुलजिम को, तो आप पकड़ के लाइए ना। और इसका भी हम आपको एक दो दिन का समय देते हैं, एक दो दिन के अंदर अंदर वो कल्प्रिट जो है वो बिहाइंड द बार होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो पुलिस को इसके फेस करने पड़ेंगे। सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पोल, तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।